डियर डायरी, हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारी बातों का खजाना लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें और बहुत सारे किस्से सुनाना है तुम्हें। गांव में सब ठीक है, बस इस साल बारिश की वजह से केशव काका परेशान थे, पर फसल को हवा के साथ डोलते देखकर उनकी सारी परेशानियां मुस्कान में बदल गई। बाकी चौपाल पर वो कोरोना महामारी और राजनीति की चर्चाएं अभी भी कायम है। कभी भी इंसान सफर को नहीं चुनता, बल्कि सफर इंसान को चुनता है, उसे बनाता है और शायद मंजिल तक भी पहुंचाता है। मेरा ऐसा ही एक सफर तब शुरू हुआ जब पिछले महीने लॉकडाउन खुलते ही मुझे नागपुर से एक जॉब का ऑफर आया। ऑफर लेटर पढ़कर खुशी तो हुई, पर अपने गांव से दूर जाने का तो कहीं ना कहीं खल रहा था। ऊपर से बाहर कोरोना के ऐसे डरावने हालत। रसिका, मेरी सहेली, उस बेचारी की तो आग भर आई, कैसे जाएगी तू? और मैं तुम्हारे बिना यहाँ क्या करूंगी? रोते रोते बोलने लगी, शादी कर ले। मैंने हंसकर उसकी बात मजाक में उड़ा दी और उससे महीने में दो बार गांव आकर मिलने का पक्का प्रॉमिस किया। मुझे दुख तो था, पर उससे ज्यादा दुनिया को पहचानने का, उसे जानने का और शायद खुद को खोजने का ये एक मौका लगा। कभी दूर से निहारे इस शहर का आज मैं हिस्सा बनने जा रही थी। मन में थोड़ा सा डर लिए, थोड़ी सी चिंता लिए और बहुत सारी महत्वाकांक्षा लिए उड़ गई थी मैं गांव से। यहाँ का घर या शहर की भाषा में कहा जाए तो फ्लैट मेरे गांव वाले घर से सुविधाओं के मामलों में अच्छा ही है, पर हाँ, मैं मेरे गांव वाले घर के शांत वातावरण को मिस करती हूँ। वैसे भी माँ बाबा जाने के बाद वो शांत वातावरण ही तो था जो मेरा साथी बनकर मेरे साथ खड़ा था। माँ बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाती थी। माँ के गुजरने के बाद बाबा माँ की उन कहानियों को अपनी तरह से पूरा कर सुनाते थे। बचपन से बाबा की कहानियाँ और प्यार ने मुझे संभाला, लेकिन प्यार की वो नाजुक डोर उम्र के साथ धीरे धीरे कमजोर होती गई। पता ही नहीं चला वो लगाव धीरे धीरे कम होने लगा। कभी मैं बाबा से कॉलेज फीस के लिए लड़ती तो कभी कॉलेज टूर के लिए। बड़ी होकर कैसे इतनी निष्ठुर हो गई थी मैं। बाबा के जिन कंधों पर बैठकर सारा घर घुमा करती थी, उन कंधों का बोझ पता नहीं क्यों मैं समझ ही नहीं पा रही थी। वो कंधे जो मुझे दुनिया में सबसे ऊंची जगह लगते थे, वो कंधे कर्ज के बोझ के मारे झुकने लगे थे। ये क्यों नहीं देख पा रही थी मैं। जिस दिन बाबा के उन कंधों को गले लगाकर मेरा गोल्ड मेडल उन्हें दिखाने का मन किया, उस दिन बाबा को मैंने छत से लटकता पाया। बाबा को किसी कर्ज ने मारा या महामारी की वजह हुए घाटे ने पता ही नहीं चला। क्यों हर बार किसान को नुकसान या कर्ज का हर्जाना खुद की जान देकर ही चुकाना पड़ता है। देखिए, लिखते लिखते आग भर आई। मैं भी ना, तो कहा थी मैं, हाँ नागपुर। नागपुर है तो बड़ा खूबसूरत शहर। अभी तक मेट्रो में घूमने का मौका तो नहीं मिला, पर कभी गांव की याद आए तो फुटाला या अंबाजरी हो आती हूँ। वहाँ की ठंडी गीली सी हवा में आंखें बंद कर बैठो तो गांव में होने का एहसास देती है। वहाँ बैठे कपल्स और उनके चल रही शैतानियों को कभी कभी आंखों के कोने से छुप कर देख लेती हूँ। कितना अच्छा होता है ना जब अपनी बातें सुनने वाला कोई अपना अपने साथ होता है, जिनसे आप जी भर कर बातें करते हैं, बिना शर्त प्यार करते हैं, जिनके सामने हम खुद के आंसू और दर्द छुपाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। न जाने क्यों इस अनजान शहर में लोगों को जानने और पहचानने का बड़ा मन करने लगा है। शायद सफर का यही तो मजा है कि आपको नए लोगों से, उनकी अलग सोच से, उनके भीतर छुपी कहानियों से वाकिफ होने का एक मौका मिलता है।
कभी तो लगता है कि चॉकलेट बेचने वाले उस छोटे लड़के से ही जान लूं उसके हिस्से की कहानी। ये पूछकर कि कहाँ से हो भाई, घर कहाँ है तुम्हारा, माँ बाबा कहाँ हैं, स्कूल जाते हो पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती, बस उससे चॉकलेट खरीद कर खा लेती हूँ। अब आप मुझे छोटे गांव वाले बोलिए या कुछ, पर आज भी कैडबरी मुझे संतरा गोली से कुछ कम ही मिट्टी लगती है। खाने के मामले में ऐसी ही हूँ, कुछ भा जाए तो उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाती। फिलहाल समय की कमी की वजह से खाना मेस में खाती हूँ, पर हर संडे अपने हाथ के बनाए खाने का स्वाद कुछ अलग ही सुकून दे जाता है। संडे तो होता ही इसीलिए है ना, लोग पता नहीं क्यों संडे को ही आराम वाला दिन कहते हैं। मेरा संडे तो घर साफ करना, बिखरी चीजों को समेट कर रखना, कागज और किताबें संभाल कर रखना, ये सब करते करते दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मेहमान के नाम पर बालकनी में एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी आती है और चावल के दाने खाकर भाग जाती है। कभी दरवाजे पर अनजान ठकठकाहट हो तो आज भी डर लगता है। अनजान रास्तों पर अकेले चलने में मैं कांप जाती हूँ। उन रास्तों पर घड़ी घड़ी लगता है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, बस भगवान का नाम लेकर मन को सशक्त बनाकर चलती रहती हूँ। कभी कभी लगता है कि मुझे ऐसे ही डर डर कर जीना सीख लेना चाहिए। क्या लड़की होना गुनाह है? क्या हम लड़कियां ही इन सब बलात्कार और छेड़खानी के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं? पर जब मन के दरिया में चिल्लाकर ये सवाल पूछती हूँ तो पलटकर एक स्पष्ट उत्तर सुनाई देता है, नहीं, गलती तो उन दरिंदों की है जो ना उम्र देखते हैं ना रिश्ते। डरना तो उन्हें चाहिए जो औरतों को वासना पूर्ति का कोई खिलौना समझते हो। घिन आती है ऐसे लोगों पर और ऐसी सोच पर, सोच जो कहती है कि लड़कियों को जगाओ, जो कहती है कि लड़कियों जाओ सेल्फ डिफेंस सीखो, पर कोई नहीं कहता कि लड़कों को सिखाओ। उन्हें उस सोच से अलग करो जो उन दरिंदों से ऐसा करवाती है। पर कहां, इन सब के लिए तो ऊपर वाला है ना। जिम्मेदारियों का बोझ ऊपर वाले के ऊपर ना डालकर खुद जिम्मेदार बनना है हमें। बेशक वो दरिंदे जो बलात्कार जैसे कुकर्म करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, पर हमें बस वही तक सीमित ना रहकर मानसिक सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा। वरना हर रोज इस दुनिया के किसी कोने में किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन अपनी इज्जत की भीख मांग मांग कर मर जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखकर मैं खुद को कमजोर महसूस करती हूँ, पर हमारे देश की लड़कियों का आत्मविश्वास देखकर मन को मजबूत कर लेती हूँ। शाम के समय ठीक 6-7 बजे के आसपास मेरे घर के सामने ही कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप आता है। उनकी नादानियाँ, शैतानियाँ, मस्ती में लिए उनके ठहाके मुझे रसिका की याद दिलाते हैं, साथ ही मेरे अकेलेपन का एहसास करा देते हैं। कभी मुझे भी लगता है ऐसे ही बेफिक्रे दोस्तों के साथ कहीं किसी अनजान सफर पर निकल जाओ, किसी वीरान सोती वादियों को अपनी बाहें खोलकर चिल्ला चिल्ला कर उन्हें जगाओ। काश ऐसा कोई साथी मेरा भी होता। अभी तक ऑफिस में कोई दोस्त नहीं बना, वैसे एक है, तन्मय नाम है उसका, बड़ा शांत रहता है, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अच्छा लड़का मालूम होता है। मुझे कैसे पता, शांत रहकर लोगों को ऑब्जर्व करने के भी अपने ही कुछ फायदे हैं। वैसे आज तन्मय ने मुझसे बात की, ना जानकर भी जाना पहचाना सा लगा उससे बात करके। खुली ताजी हवा में घूमना पसंद है, शाहरुख की फिल्में देखता है, अरिजीत के गाने सुनता है, और ना जाने कितनी सारी समानताएं हैं उसमें और मुझ में। उसकी आंखों की वो मासूमियत और उसकी बातों का वो लहजा मुझे उसके साथ और ज्यादा बात करने पर मजबूर करता है। अगले संडे तन्मय ने मुझे डिनर के लिए पूछा है,
जाऊं या ना जाऊं, इसी कश्मकश में हूं आजकल। दो चार दिन की मुलाकात पर इतना भरोसा कर लेना क्या ठीक रहेगा? तो ये थी मेरी अब तक की कहानी। हम सब ने इस साल अनहोनी होते देखा है, किसी ने अपनों को खोया है, पर फिर भी इस साल को मैं शुक्रिया अदा करूंगी मुझे खुद को जानने का मौका देने के लिए और असल जिंदगी और दुनिया से मुझे रूबरू करवाने के लिए। कोई सही कह गया है कि रात की मुट्ठी में नया सवेरा भी है, पर शर्त है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख। इस घनी रात के बाद मुझे इंतजार है अब नए सवेरे का, नई उम्मीद का और नए सपनों का। मैंने तो इस नए सवेरे के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली है, बस अब इंतजार है उस नए सवेरे के आगमन का। आपकी मैम। पिछला साल हम सब के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ था, लेकिन हमारे इस वीडियो में नैना की जो ज़िंदगी बताई गई है उसमें से कई सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो आप सब ने अपने आसपास देखी होगी या फिर खुद भी शायद महसूस की होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, सो गाइज जस्ट मूव ऑन विथ योर लाइफ इन अ हैप्पी वे। So ending at that note, if you like our video, please do like, share, comment and subscribe to Concoction Entertainment. And as always, see you guys in our next video. Peace out.